पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत आज हम मैथ्यू आर्नल्ड का काव्य सिद्धांत और उनकी आलोचना दृष्टि का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। मैथ्यू आर्नल्ड एक डॉक्टर के पुत्र थे। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई थी। 1849 में इनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। मूलतः यह कवि थे। इनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह एसेज इन क्रिटिसिज्म यह प्रकाशित हुआ था 1865 ईस्वी में। सन 1857 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के पद पर चुने गए। ये बड़े शिष्ट सुसंस्कृत व्यवहार वाले मृदुभाषी विद्वान थे। अपने प्रारंभिक जीवन में ये काव्य रचना में प्रवृत्त रहे और बाद में आलोचना में संलग्न रहे। ये पद्य और गद्य दोनों ही रचनाओं में जीवन के आलोचक रहे। तो इन्होंने अपने करियर का जो शुरुआत किया था वह एक कवि के रूप में किया था, लेकिन बाद में आलोचना के क्षेत्र में आ गए। और इन्होंने अपने गद्य में और पद्य में यह कहा है कि चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, वह जीवन की आलोचना है। मतलब गद्य और पद्य का लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन कैसे जिया जाए या फिर जीवन की व्याख्या यह होनी चाहिए। तो यह इनका काव्य सिद्धांत और इनकी आलोचना दृष्टि में हमें यह भाव देखने को मिलता है कि काव्य जीवन की आलोचना है। तो आगे हम देखते हैं, आधुनिक अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में आर्नल्ड का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा समीक्षक घोषित करते हुए स्कॉट जेम्स नाम के विद्वान इन्होंने लिखा है, इस देश में आर्नल्ड की स्थिति वैसी है जैसे कि किसी समय यूनान के चिंतक अरस्तु की थी। तो यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक जो हुए, बहुत महान दार्शनिक हुए अरस्तु। तो उस समय यूनान में अरस्तु का जितना महत्व था, उतना ही महत्व 19वीं शताब्दी में आर्नल्ड का था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितने बड़े विद्वान थे। इसी प्रकार डेविड डेसेज नाम के जो विद्वान है, इन्होंने भी कहा है, उनको आधुनिक युग के महान आलोचक के विशेषण से विभूषित किया है। तो आर्नल्ड का महत्व इससे पता चल जाता है कि उस समय के जो जाने माने विद्वान थे, उन्होंने भी उनके महत्व को स्वीकार किया है और 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े आलोचक अथवा आधुनिक समय के सबसे बड़े आलोचक के रूप में उनके महत्व का प्रतिपादन किया है। तो वे आलोचना के क्षेत्र में क्यों आए, उस समय के युगीन परिस्थितियां कैसी थी, उस समय किस प्रकार का वातावरण था जब वो आलोचना के क्षेत्र में आए, आइए देखते हैं। उस समय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में उनसे पहले का जो समय है वह स्वच्छंदतावादी आंदोलन का युग है, रोमांटिसिज्म, जिसका नेतृत्व कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेली आदि कर रहे थे। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए कहा था, कविता भावनाओं का सहज उच्छलन है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवर फ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ऐसा उन्होंने अंग्रेजी में कविता को परिभाषित किया था। एक स्वच्छंदतावादी कवि की दृष्टि से नैतिकता या लोकहित की शिक्षा देना व्यर्थ है। वे किसी भी आलोचक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे जो नैतिकता की बात करता हो। तो जो स्वच्छंदतावादी जो कवि थे, जो रोमांटिसिज्म के जो कवि थे, उनका मानना था कि कविता में किसी उपदेश का भाव नहीं होना चाहिए, लोकहित की बात या नैतिकता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कविता क्या है, कवि के मन में कुछ भावनाएं आई और उसने कविता को लिख दिया, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उसकी कविता का देश पर, समाज पर, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वास्तव में कला कला के लिए सिद्धांत के पोषक थे। मतलब कवि के मन में कुछ विचार आए, कुछ भावनाएं आई और उसमें भाग कर उसने कविता लिख दिया, लेकिन उस कविता में नैतिकता ना तो जरूरी है और ना ही लोकहित या फिर किसी प्रकार की शिक्षा देना व्यर्थ है। तो वह जो आलोचक यह कहते थे कि कविता में नैतिकता होनी चाहिए, कविता में कुछ शिक्षा होनी चाहिए, कुछ संदेश होना चाहिए, इसका वो लोग विरोध करते थे जो रोमांटिक कवि है, स्वच्छंदतावादी कवि है। तो यह विज्ञान का भी युग था, विज्ञान में भी नए नए आविष्कार हो रहे थे विज्ञान के क्षेत्र में। चारों ओर यह प्रचार किया गया कि काव्य का युग समाप्त हो गया, अब तो विज्ञान का युग है। मतलब उस दौर में जो परिस्थितियां थी वह पूरी तरह से कविता का विरोध कर रही थी। यह तो विज्ञान का दौर है और इस वैज्ञानिक जीवन में, विज्ञान के दौर में कविता की क्या जरूरत है। इसके लिए शैली को द डिफेंस ऑफ पोएट्री नामक निबंध लिखना पड़ा। तो शैली जो स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा इसके विरोध में, कविता का विरोध किया जा रहा था, तो उन्होंने कविता के समर्थन में एक निबंध लिखा जिसका नाम था डिफेंस ऑफ पोएट्री। विज्ञान का आक्रमण केवल काव्य पर ही नहीं हुआ, धर्म और संस्कृति पर भी हुआ। ठीक ऐसे समय में आर्नल्ड का अवतरण अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में होता है। तो विज्ञान का आक्रमण केवल कविता के क्षेत्र में नहीं हो रहा था, बल्कि उन्होंने धर्म और संस्कृति को भी अपदस्थ कर दिया था। धर्म और संस्कृति का महत्व लगभग उन्होंने समाप्त कर दिया था और यह माना जा रहा था कि अब वर्तमान दौर है, विज्ञान का दौर है, यहाँ कविता के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह आधुनिकतावादी दौर है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में
किसका जन्म होता है? आर्नाल्ड का जन्म होता है। आर्नाल्ड ने स्वच्छंदतावादी कवियों को रोगी और विक्षिप्त घोषित किया, निर्ममता पूर्वक स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों पर तीव्र प्रहार किया। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि काव्य धर्म का ही नहीं विज्ञान का भी स्थान लेगा, क्योंकि काव्य का प्रयोजन केवल आनंद ही नहीं जीवन की आलोचना या व्याख्या है। तो उन परिस्थितियों में जबकि यह माना जा रहा था कि कविता में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, कविता में कोई संदेश नहीं होना चाहिए, और विज्ञान ने भी धर्म और संस्कृति और कविता को अपदस्थ कर दिया था, उनके स्थान से हटा दिया था, उनके महत्व को कम कर दिया था। ऐसे समय में आर्नाल्ड ने स्वच्छंदतावादी कवियों को पागल भी घोषित कर दिया, और उन्होंने स्वच्छंदतावाद की जो प्रवृत्तियां थी, जो रोमांटिसिज्म की जो प्रवृत्तियां थी, जो विशेषताएं थी, उन पर तीव्र प्रहार किया। और उन्होंने कहा कि काव्य केवल धर्म का ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी स्थान ले लेगा, क्योंकि काव्य का उद्देश्य केवल आनंद प्रदान करना नहीं होता बल्कि काव्य जीवन की आलोचना है या फिर जीवन की व्याख्या है। उनका कहना था कि काव्य और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है, मतलब कविता और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता और दोनों एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान और धर्म मनुष्य की कोमल भावनाओं को सहलाने में असमर्थ है, मतलब विज्ञान और धर्म के द्वारा मनुष्य के मन में जो कोमल भावनाएं हैं वे उनको अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर सकते। काव्य का प्रभाव हृदय पर ही नहीं बुद्धि पर भी पड़ता है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है और उसे एक उचित दिशा मिलती है। मतलब कविता को का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि कविता का प्रभाव केवल हमारे हृदय पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारी बुद्धि पर भी पड़ता है, मतलब कविता हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी बुद्धि दोनों को ही प्रभावित करती है, और इससे मनुष्य का कल्याण होता है और उसे जीवन जीने के लिए एक दिशा प्राप्ति होती है, एक लक्ष्य प्राप्त होता है, एक संदेश मिलता है। काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है, और काव्य केवल मन और बुद्धि पर प्रभाव नहीं डालता बल्कि यह हमारी संस्कृति का भी अनिवार्य हिस्सा है। संस्कृति को हम अभिव्यक्त कर पाते हैं अपनी कविताओं में। मानव जीवन के कल्याण के लिए संस्कृति भी आवश्यक है। संस्कृति और सभ्यता मानव जीवन के विकास के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए यह जो संस्कृति भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने आलोचकों को तीन सिद्धांतों से अवगत कराया, मतलब आलोचक का क्या कर्तव्य है, कवि का क्या कर्तव्य है, इसको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि तीन मुख्य सिद्धांत हैं जीवन के, या फिर काव्य अथवा आलोचना के तीन मुख्य सिद्धांत हैं। काव्य जीवन की आलोचना है, अतः कवि का कर्तव्य है कि वह काव्य में नैतिक सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करे। काव्य जीवन की आलोचना है, मतलब काव्य में जीवन की व्याख्या की जाती है। काव्य में यह बताया जाता है कि जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा जिया जाना चाहिए। इसलिए कवि का कर्तव्य है कि वह काव्य के माध्यम से नैतिक संदेश दे और नैतिक सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करे, मतलब जीवन किस प्रकार दिया जाना चाहिए और जीवन में उदात्त मूल्यों की स्थापना कैसे होनी चाहिए, श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना कविता के माध्यम से होनी चाहिए, यह कवि का दायित्व है। आज नैतिक सिद्धांतों के प्रति उदासीनता आ गई है, लोग उमर खयाम के उस आदर्श को अपनाने लगे हैं जिसमें कहा गया है कि हम जिस समय का अपव्यय मंदिर में कर चुके हैं उसका सदुपयोग चलकर मंत्रालय में करें। तो उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें यह कहा जा रहा था कि भाई ये हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने से कुछ फायदा नहीं है बल्कि हम समय की बर्बादी कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट करें, इसके बजाय हम मंत्रालय में चले और शराब पीकर मौज मस्ती का जीवन जिए। तो नैतिक सिद्धांतों के प्रति लोगों में उदासीनता आ गई थी, और उमर खयाम की रुबाइयां कुछ इसी प्रकार का संदेश दे रही थी, जिस पर स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी है। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, यह उन्होंने लिखा हुआ है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है मधुशाला, वह उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित है, और उमर खयाम की रुबाइयों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था फिट्ज़गेराल्ड नाम के विद्वान ने, और उस फिट्ज़गेराल्ड ने जो ट्रांसलेशन किया था रुबैयात उमर खयाम, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन से हिंदी में उसको कवि के रूप में उन्होंने लिखा स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने, और उसका नाम है मधुशाला। इस भ्रम के निवारण के लिए आवश्यक है कि हम काव्य और आलोचना में जीवन की व्याख्या करें। नैतिकता का विद्रोही जीवन का विद्रोही है, तथा वह काव्य जो नैतिकता के प्रति उदासीन है वह जीवन के प्रति भी उदासीन है। तो इस भ्रम के निराकरण करने के लिए कि काव्य में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, उनका कहना था कि काव्य में और आलोचना में जीवन की व्याख्या होनी चाहिए। जो व्यक्ति नैतिकता का विद्रोही है वह जीवन का भी विद्रोही है, मतलब जो नैतिकता का पालन नहीं करता वह सही ढंग से जीवन कैसे जीना यह नहीं जानता है, और जो काव्य नैतिकता के प्रति उदासीन है, जिसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं की जा रही, नैतिक मूल्यों के संबंध में कोई संदेश नहीं दिया जा रहा है, वह कविता जीवन के प्रति भी उदासीन है। मतलब कविता में कविता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, आलोचक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना।
तो इस प्रकार इनकी जो अवधारणा है लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो लोक मंगल की अवधारणा है उससे मेल खाती है, लोकहित या लोक का कल्याण। तो हिंदी आलोचना में जो व्यक्तित्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पाश्चात्य समीक्षा में वही व्यक्तित्व आर्नाड का है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो कविता है उसमें लोक मंगल का विधान होना चाहिए, लोक का कल्याण करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और हिंदी आलोचना में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जो नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किसी कृति की आलोचना करे। तो वही पाश्चात्य समीक्षा में वही स्थान आर्नाड का है। दोनों मानव जीवन को लेकर साहित्यिक आलोचना का मानदंड निर्धारित करते हैं। उनका मानना है कि चाहे कविता हो चाहे आलोचना हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोक हिताय होना चाहिए, बहुजन हिताय होना चाहिए, लोगों के व्यक्तित्व में जीवन मूल्यों की स्थापना इसका लक्ष्य होना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, वही सब कुछ। मतलब कविता में रस होता है, रस के माध्यम से हमको आनंद प्राप्त होता है ना। जैसे रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, मतलब किसी कविता को पढ़ने से हमको मनोरंजन होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल आनंद की प्राप्ति कविता का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि इसमें लोकहित भी जुड़ा रहता है, लोगों को संदेश भी दिया जाता है, और यही उसका मुख्य लक्ष्य होता है। आर्नाल्ड की आलोचना का क्या उद्देश्य है, आर्नाल्ड काव्य को सांस्कृतिक उन्नति और परिष्कार का साधन मानते हैं। मतलब कविता के माध्यम से हमारी संस्कृति का परिष्कार होता है, उसमें सुधार होता है, सांस्कृतिक रूप से हम उन्नत होते हैं। तो उनके लिए काव्य केवल आनंद का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्थान का साधन भी है। कविता का उद्देश्य केवल आनंद प्रदान करना नहीं है बल्कि इसके माध्यम से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, उन्नति को प्राप्त होती है। आर्नाल्ड ने अपने समय के समाज की तीखी आलोचना की है। उनके अनुसार उच्च वर्ग बर्बर है। उच्च वर्ग को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उनके पास पर्याप्त पैसा है और वे भौतिकतावादी है। मध्य वर्ग भोग में लीन है। मध्य वर्ग क्या है, रोज पैसा कमा लेता है अपने हिसाब से और उसके हिसाब से वह जो भी सुख सुविधा की चीजें जुटा लेता है और भोग भोग वासना में लीन रहता है। और निम्न वर्ग का भी उत्थान नहीं हुआ। निम्न वर्ग तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इन सब चीजों पर उसका ध्यान नहीं जाता कि देश का है क्या है, समाज क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि घर सिर के ऊपर एक छत हो जाए और पेट भरने के लिए भोजन हो जाए, रहने के लिए घर हो जाए और कपड़ा हो जाए तन ढकने के लिए। तो इसका उत्थान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि काव्य को और संस्कृति को बचाना है तो मध्यम वर्ग को ही सुधारने की जरूरत है, इसी की रुचि को परिमार्जित करना है। तो वास्तव में पढ़ने वाला वर्ग कौन होता है, किताबों को पढ़ने वाला, किताबों को पढ़ने वाला वर्ग होता है मध्यम वर्ग। इसलिए मध्यम वर्ग को सुधारने की जरूरत है और इसी की रुचि को हमको परिमार्जित करना है, सुधारना है। इसलिए आर्नाल्ड की आलोचना का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग की रुचि का परिष्कार है, जिसे उन्होंने बार बार दोहराया। तो इनकी जो आलोचना है, आर्नाल्ड की आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मध्यम वर्ग है उसकी रुचि का परिष्कार करना, उसकी रुचि में सुधार करना, उसे सामाजिक संदेश देना, उनके जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, जिसको उन्होंने बार बार दोहराया। तो आर्नाल्ड की दृष्टि से संस्कृति और आलोचना अभिन्न है। अभिन्न है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो संस्कृति और आलोचना वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों का लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति है। मतलब चाहे संस्कृति के माध्यम से या फिर आलोचना के माध्यम से जीवन में पूर्णता की प्राप्ति, राग द्वेष से ऊपर उठकर एक सफल सार्थक जीवन की स्थापना ही इसका उद्देश्य है। और दोनों का साध्य जिज्ञासा है। दोनों का लक्ष्य क्या है, जिज्ञासा का समाधान करना है, जिज्ञासा के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त करना है। अतः व्यापक अर्थ में आर्नाल्ड की आलोचना का उद्देश्य क्या है, संस्कृति का उत्थान है। और सांस्कृतिक उत्थान कब होता है, जब लोगों के जीवन में जीवन मूल्य होते हैं, वे श्रेष्ठ मूल्यों को धारण करते हैं, उनकी रुचि में परिष्कार होता है, तभी संस्कृति का उत्थान होता है और अच्छी अच्छी चीजें हमारे समाज में आती हैं। फलतः आलोचक का कार्य है कि वह काव्य में सांस्कृतिक उत्थान पर ध्यान दे। तो उन्होंने आलोचक के दायित्व का निर्धारण करते हुए यहां पर कहा है कि वह सांस्कृतिक उत्थान पर ध्यान दे। मतलब जिन कविताओं में जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है, वह लोगों की दृष्टि में लाए। जैसे हमारा रामचरितमानस है, उसमें लोक मंगल की अवधारणा की गई है ना, स्वांता सुखाय और लोकहिताय उन्होंने लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने। तो आलोचक का दायित्व है कि जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य काव्य में परिलक्षित है या काव्य में जो दिखाई देते हैं, उन्हें लोगों के सामने लाए ताकि वे उन मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर सकें और उनका पालन कर सकें। अब आदर्श आलोचक की अवधारणा क्या है, आदर्श आलोचक किसे कहते हैं, आर्नाल्ड की राय में काव्य जीवन की आलोचना है। मतलब काव्य के माध्यम से जीवन की व्याख्या की जाती है, जीवन की आलोचना की जाती है। अतः आलोचक का क्या दायित्व है कि वह संसार के सर्वोच्च ज्ञान
और सर्वोत्तम विचारों को जाने और फिर उसका प्रसार करे, सर्वत्र प्रसार करे, ताकि सच्ची और नई भावनाओं की धारा प्रवाहित हो सके। ऐसा करके ही वह साहित्य का संबंध संस्कृति से जोड़ सकता है। उसके अनुसार एक आलोचक में 3 गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार आलोचक का यह दायित्व है कि वह अधिक से अधिक पढ़े, सर्वोत्तम ज्ञान संसार के जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको पहले हासिल करे, फिर उस ज्ञान को समझ करके लोगों में उसका प्रचार प्रसार करे, ताकि लोगों में श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का विकास हो, अच्छी भावनाओं का विकास हो। और ऐसा करके ही वह साहित्य का संबंध किससे जोड़ सकता है, संस्कृति से जोड़ सकता है। अर्नाल्ड के अनुसार एक श्रेष्ठ आलोचक में आदर्श आलोचक में 3 गुण होने चाहिए। पहला तो आलोचक का कर्तव्य है कि वह विषय को जाने समझे खूब पढ़े, मतलब बहुत ज्यादा अध्ययनशील होना चाहिए, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करे और चीजों को वह ऐसा देखे जैसे वे हैं। सी द थिंग्स एज दे रियली आर, चीजों को उसी रूप में देखना, उसी रूप में ग्रहण करना, उसी रूप में स्वीकार करना जैसा कि वे वास्तव में हैं। दूसरा क्या है, एक श्रेष्ठ आलोचक कैसा होता है या आदर्श आलोचक? आलोचक का दूसरा कार्य है उसने जो कुछ जाना या समझा है उसे दूसरों तक पहुंचाए, जिससे अच्छे विचारों का प्रसार हो। उसका यह कार्य धर्म प्रचारक की भांति उत्साहपूर्ण और कर्मठता से युक्त होना चाहिए। आलोचक का दूसरा दायित्व है न कि वह दुनिया के श्रेष्ठ ज्ञान को हासिल करे, उनको समझे, बल्कि उसे लोगों तक भी पहुंचाए जिसको उसने समझा है, ताकि समाज में सर्वश्रेष्ठ विचारों का प्रचार प्रसार हो, जीवन में उदात्त मूल्यों की स्थापना हो। और उसका यह कार्य धर्म प्रचारक की तरह होना चाहिए। धर्म प्रचारक क्या करते हैं, अत्यंत उत्साह से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं। उसी तरह आलोचक को भी होना चाहिए। तीसरा, ऐसा करके आलोचक सृजनात्मक प्रतिभा के लिए अनुकूल वातावरण और उर्वर भूमि तैयार करे। और जब ऐसा करता है आलोचक, तो जो समाज के जो प्रतिभावान लोग हैं, जो सृजनशील लोग हैं, जो कविता या गद्य कुछ गद्य या पद्य कुछ लिखना चाहते हैं, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार होता है। वह सृजन के लिए उनको प्रेरणा मिलती है और उनके लिए उर्वर भूमि तैयार होती है और अधिक से अधिक लोग श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को लेकर काव्य रचना में, गद्य रचना में, पद्य रचना में, पद्य रचना के लिए सामने आते हैं और लिखते हैं। आलोचक के कारण यह हो पाता है। सारांश यह है कि आलोचक का कार्य है कि वह रचनात्मक प्रतिभा के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि तैयार करे, ताकि अवसर और अनुकूल समय मिलते ही साहित्यकार उसमें सृजनात्मक साहित्य की लहलहाती फसल पैदा कर सके और उसे समाज का कल्याण कर सके। ऐसा करके वह समाज को पूर्णता की ओर ले जाएगा और उसे सिखा सकेगा कि जीना कैसे चाहिए और संस्कृति के विकास में योग दे पाएगा। तो जब आलोचक यह सब काम करता है तो उसका क्या होता है, जो सृजनशील लोग हैं, समाज के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वह साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर होते हैं, उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि होती है और वे ऐसी कृति की रचना करते हैं जिससे समाज का कल्याण होता है और समाज पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और लोगों को यह पता चलता है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए और जीवन में कैसे हम श्रेष्ठ एवं उदात्त मूल्यों को हम धारण करें और उसके हिसाब से जीवन जिए। और इसके माध्यम से क्या होता है, संस्कृति का भी विकास होता है। आर्नल्ड के अनुसार आदर्श आलोचक के क्या गुण होते हैं? आर्नल्ड के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे आलोचना के प्रचारक अधिक हैं, आलोचक कम है। मतलब वे आलोचक कम है, आलोचना के प्रचार अधिक कर रहे हैं। उनके अनुसार आदर्श आलोचक में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। आलोचक या समालोचक या समीक्षक एक ही चीज है, एक बार ध्यान में रखें, चाहे आलोचक शब्द है या समालोचक शब्द है या समीक्षक, ये सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आदर्श आलोचक साहित्य, समाज और संस्कृति, इन तीनों का अधिकारी विद्वान होना चाहिए। आदर्श आलोचक को साहित्य का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, समाज का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए और संस्कृतियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह आदर्श आलोचक कहा जाएगा। उसकी काव्य चेतना अत्यंत प्रबुद्ध, व्यापक और गंभीर होनी चाहिए। मतलब उसकी जो काव्य चेतना है, जितनी भी विचारधाराएं हैं, यह काव्य के संबंध में जो उसका ज्ञान है, बहुत ही व्यापक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और वह पठनशील, अध्ययनशील होना चाहिए। तीसरा, उसे जिज्ञासु होना चाहिए, नई नई चीजों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। विश्व भर में जो उत्कृष्टतम ज्ञान या विचार है उसे जान लेना प्रत्येक आलोचक के लिए आवश्यक है। जीवन में जो कुछ उदात्त और स्थायी है उसका बोध उसे होना चाहिए। मतलब केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, उनके जो उत्कृष्ट विचार हैं, उत्कृष्ट ज्ञान है, उनकी रचनाओं का ज्ञान आलोचक के लिए आवश्यक होता है। जीवन में जो भी सर्वश्रेष्ठ है, जीवन में जो भी स्थायी है, उसका बोध उसे होना चाहिए, उसका ज्ञान उसे होना चाहिए। आलोचक में विराट सामाजिक चेतना, मतलब सामाजिक चेतना भी होना चाहिए, युग बोध होना चाहिए, अपने समय में किस समाज में वह जी रहा है उसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। विवेक और उदार धार्मिक दृष्टिकोण आवश्यक है, उसमें विवेक भी होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए कि वह सही गलत को पहचान सके, और उसमें धार्मिक उदार धार्मिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है कि वह सभी धर्मों को सम्मान की नजर से देखे और धर्म निरपेक्ष रहे, तभी वह आलोचना के महान उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकेगा
और अपने युग के साहित्य और समाज को स्वस्थ संतुलित और सुचिंतित दिशा की ओर अग्रसर कर सकेंगे। जब ऐसा जब तटस्थ रहकर युवा समाज को क्या है एक स्वस्थ और संतुलित दिशा दे पाएगा और उदात्त मूल्यों की ओर लोगों को अग्रसर कर पाएगा। आलोचक के निष्पक्ष होना भी आवश्यक है, मतलब किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर न चले, किसी विशेष विचारधारा को लेकर भी, किसी विशेष धार्मिक विचारधारा को लेकर न चले। आनंद का स्पष्ट मत है कि आलोचक को आलोचना करते समय निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी विचारधारा का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। यहाँ निष्पक्ष से तात्पर्य है कि आलोचक उन बातों से मुक्त हो जो नैतिकता के मार्ग में बाधक है, मैं जो चीजें नैतिकता के मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं उनसे वह दूर रहे। उसे सामान्य लोगों की अंधी भावुकता से भी बचना चाहिए कि वह तटस्थ रहे, निरपेक्ष रहे। आम लोगों में जो अंधी भावुकता होती है किसी धर्म के प्रति या किसी विचारधारा के प्रति, तो आलोचक को ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से तात्पर्य यह भी है कि उनसे दूर रहे जो आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करते हैं। कुछ लोग समाज में नास्तिक प्रकृति के भी होते हैं जो धर्म और अध्यात्म से बहुत दूर होते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। बल्कि सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ मूल्य हैं उनसे उसका उसे ज्ञान होना चाहिए और उसका वह प्रचार प्रसार उसके द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार आर्नल्ड की दृष्टि से निष्पक्ष आलोचक वह है जो सांस्कृतिक पूर्णता का ध्यान रखता है, आजीवन की भद्दी तथा सामान्य रुचियों से प्रभावित नहीं होता। मतलब जितने भी प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान है उनकी वह पूर्णता का ध्यान रखता है कि उनमें कौन सी अच्छी बात है उनको स्वीकार करता है, उनका प्रचार प्रसार करता है, और जीवन की जो घटिया और सामान्य सी रुचि है जो आम लोगों में होती है उनसे वह दूर रहे। अब आलोचक के लिए निकष पद्धति क्या है, टच स्टोन मेथड है कि किसी कृति की आलोचना करते समय हम उस कृति की आलोचना कैसे करें। तो आर्नल्ड का कहना है कि जब हम जैसे किसी कृति की आलोचना करते हैं, जैसे हम साकेत है उनका, मैथिली शरण गुप्ता जी का साकेत है उसकी हम आलोचना करते हैं, तब उससे पहले हम रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां उठा लेते हैं और उन पंक्तियों के आधार पर हमको क्या करना चाहिए, साकेत की आलोचना करनी चाहिए। तो इस प्रकार उन्हीं पंक्तियों को जो उन्होंने रामचरितमानस से उठाया उसे वे कहते हैं निकष पद्धति अथवा टच स्टोन मेथड। आर्नल्ड के अनुसार अभिजात साहित्य के तीन भेद, अभिजात साहित्य मतलब क्लासिकल लिटरेचर सर्वश्रेष्ठ साहित्य, इसके तीन भेद होते हैं। संदिग्ध अभिजात साहित्य जो अभिजात की श्रेणी में नहीं आया, जो क्लासिकल लिटरेचर की श्रेणी में नहीं आया। मिथ्या अभिजात साहित्य जिसमें बाहरी चमक दमक तो है किंतु आंतरिक गंभीरता नहीं है। कुछ ऐसे भी क्लासिकल लिटरेचर है जो बाहर से हमको बहुत हाई फाई दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर में कोई गंभीरता नहीं है। और तीसरा है वास्तविक अभिजात साहित्य, ओरिजिनल क्लासिकल लिटरेचर जो होता है वह कौन सा है, यही सच्चा साहित्य है जिससे आनंद और सांत्वना दोनों की प्राप्ति होती है। तो वास्तविक साहित्य, वास्तविक अभिजात साहित्य क्या होता है, ओरिजिनल क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है, यही वह साहित्य है जो न केवल हमें आनंद प्रदान करता है बल्कि हमें एक नैतिक संदेश भी देता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रश्न यह होता है कि ऐसे साहित्य की परख कैसे की जाए, वास्तविक अभिजात साहित्य की परख कैसे की जाए, किन मापदंडों के आधार पर हम कहेंगे यह साहित्य ओरिजिनल क्लासिकल लिटरेचर है। इसके लिए आर्नल्ड ने एक पद्धति सुझाई है जिसे उन्होंने निकष पद्धति अथवा टच स्टोन मेथड कहा है। तो इस एक मापदंड उन्होंने बनाया है जिसे हम कहते हैं टच स्टोन मेथड या फिर निकष पद्धति। जैसे किसी वस्तु को तौलने के लिए बाट काम में लाए जाते हैं वैसे ही काव्य के महत्व और सौंदर्य को परखने के लिए आलोचकों को निकष पद्धति का सहारा लेना चाहिए। जैसे हम किसी चीज को जब तौलते हैं, जैसे शक्कर चाहिए एक किलो जैसे शक्कर चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, या फिर एक किलो दाल चाहिए तो हम बाट में तौलते हैं, वैसे ही किसी साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए हमको निकष पद्धति का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए किसी कवि की रचनाओं से सुंदरतम और उत्कृष्टतम पंक्तियां लेकर काव्य की महत्ता की परीक्षा के लिए उन्हें निकष बनाना चाहिए। यदि वे पंक्तियां भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं उसका उत्कर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे आपको मैथिली शरण गुप्ता की साकेत की आपको समीक्षा करनी है, आलोचना करनी है, तब हम रामचरितमानस से कुछ पंक्तियां उठा लेंगे और उन्हीं पंक्तियों के आधार पर आप देखेंगे कि साकेत में भाव पक्ष और कला पक्ष उस स्तर के हैं कि नहीं जिस स्तर पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। इसी के आधार पर उसका उत्कर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए, उसका महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ पोएट्री में आर्नल्ड ने होमर, दांते और शेक्सपियर और मिल्टन से कुछ पंक्तियां लेकर निकष पद्धति का प्रयोग किया था, किंतु आलोचकों की दृष्टि में यह पद्धति व्यवहारिकता के निकष पर खरी नहीं उतरती। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न अंश उत्कृष्टतम प्रतीत हो सकते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी द स्टडी ऑफ पोएट्री और उसमें जितने भी क्लासिकल आर्टिस्ट थे, क्लासिकल लिटरेरी आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो क्लासिकल एज में जो पोएट हुए थे जैसे होमर हैं, दांते हैं, शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, इनकी कुछ पंक्तियां लेकर उन्होंने निकष पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन तत्कालीन आलोचकों ने इसे स्वीकार नहीं किया, वो उसके विरोध में थे।
जैसे आपने किसी महान कवि की दो चार पंक्तियां उठा ली और उन पंक्तियों के आधार पर किसी दूसरी कवि के पूरी काव्य का पूरी रचना का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो अलग अलग कवियों में कुछ कुछ पंक्तियां उत्कृष्ट हो सकती है। कुल मिलाकर कहना यह था कि यह जो पद्धति है आलोचकों के द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इसमें तीन मुख्य और असंगतियां थी और विरोधाभास तीन और थे। इसमें आर्नल्ड ने अपनी कविता संग्रह की भूमिका में लिखा है कि काव्य का वास्तविक उत्कर्ष उसके समग्र रूप में ढूंढना चाहिए। मतलब किसी कविता को हम सर्वश्रेष्ठ कैसे कहेंगे, जब पूरी कविता सर्वश्रेष्ठ होगी, केवल दो तीन पंक्तियों के आधार पर हम नहीं बोल देंगे कि यह कविता सर्वश्रेष्ठ है। और इस विचार का निकस पद्धति से स्पष्ट विरोध है। एक और दो चार पंक्तियों में उत्कर्ष ढूंढना और दूसरी ओर समग्र रचना को निकस बनाना परस्पर विरोधी मान्यता है। किसी कवि को एक बार हम कह रहे हैं कि दो चार पंक्तियां उत्कृष्ट होंगी तब वह कविता उत्कृष्ट है, एक बार हम कह रहे हैं कि पूरी रचना में सारी पंक्तियां उत्कृष्ट होनी चाहिए समग्र रूप से तभी वह उत्कृष्ट होगी, तो यह एक विरोधाभास है। इसके बाद आर्नल्ड लिखता है कि महान कवि के समान महान आलोचक की दृष्टि भी विराट होनी चाहिए, भला कुछ पंक्तियों के आधार पर यह कैसे संभव है। मतलब किसी कवि की दो चार पंक्तियों के आधार पर हम नहीं कह सकते यह बहुत बड़ा कवि है, बहुत महान कवि है, श्रेष्ठ कवि। इसी प्रकार आलोचक, कोई महान आलोचक की आलोचना को पढ़कर हम नहीं कह सकते कि ये दो चार पंक्तियां उन्होंने अपनी आलोचना में अच्छी लिखी है तो ये महान आलोचक हो गए। दो चार पंक्तियां तो किसी साधारण कवि की भी उत्कृष्ट हो सकती है फिर भी वह महान कवि कहला सकता है। मतलब इसके आधार पर, निकस पद्धति के आधार पर, क्या किसी कवि की दो चार पंक्तियां अच्छी हो गई इसके आधार पर हमने कह दिया कि वह महान कवि। तो इस प्रकार बहुत सारे विरोधाभास है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आर्नल्ड द्वारा कल्पित या निकस सिद्धांत परस्पर विरोधी होने के कारण निकस यानी कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इस प्रकार वह दो बार अलग अलग चीजें कह रहे हैं, दो चार पंक्तियों के आधार पर कोई कवि श्रेष्ठ है या फिर समग्र रचना के आधार पर कोई कवि श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर इस विरोधाभास के कारण ही इनका जो निकस सिद्धांत है वास्तव में यह आलोचना के मापदंडों पर यह खरा नहीं उतरता, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब तुलनात्मक आलोचना क्या है, इनको तुलनात्मक आलोचना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है कि दो रचनाओं की कैसे तुलना करें। आर्नल्ड ने ही तुलनात्मक आलोचना पद्धति की नींव डाली। इस आधार पर आर्नल्ड ने आलोचना की एक पद्धति यह बताई कि कवियों के काव्यांशों की परस्पर तुलना की जाए, पर यह पद्धति इसलिए अपूर्ण है कि इसमें संपूर्ण रचना का मूल्यांकन नहीं किया जाता और कुछ काव्य के अंशों की सुंदरता और उत्तमता के आधार पर यह निर्णय दे दिया जाता है। तुलनात्मक आलोचना पद्धति निश्चय ही उपयोगी होती है, पर इसमें संपूर्ण रचना की तुलना के आधार पर निर्णय दिया जाता है, न कि कुछ अंशों के आधार पर। तो आर्नल्ड को तुलनात्मक आलोचना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, जिसमें एक कवि की दो तीन पंक्तियां और दूसरे कवि की कुछ पंक्तियों के आधार पर दोनों की तुलना की जाती है। लेकिन वास्तव में एक कवि की कुछ पंक्तियां अच्छी हो सकती है, बाकी पंक्तियां बेकार हो सकती है। तो इस प्रकार का जो तुलना है, यह तुलना जो आलोचना के मापदंडों पर यह खरा नहीं उतरता है। इसका कारण यह है कि किसी कृति के समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे रामचरितमानस का पूरा मूल्यांकन करें और आप इसकी तुलना करें उससे, साकेत से, तो इन दोनों का जब समग्र रूप से आप तुलना करते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन सी कृति अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार दो कृतियों की तुलना केवल दोनों कृतियों के कुछ पंक्तियों के आधार पर नहीं हो सकती, बल्कि संपूर्ण पंक्तियों के आधार पर समग्र रूप से हो सकती है। अब आलोचना के प्रकार, इन्होंने आलोचना के तीन प्रकार बताए हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा है कि आलोचना के तीन प्रकार होते हैं, ऐतिहासिक आलोचना, वैयक्तिक आलोचना और वास्तविक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना क्या होती है, इस प्रकार की आलोचना में किसी कवि की रचना का मूल्यांकन करते समय उसका युग का अध्ययन आवश्यक है। जैसे वीर गाथा काल में किस तरह की प्रवृत्तियां थी, तो उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं, जो इतिहास है, उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। इस युग के अध्ययन का क्या अर्थ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काव्य का अध्ययन करना। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किसी काव्य का अध्ययन करना यह कहा जाता है ऐतिहासिक आलोचना, कि उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी थी। जैसे वीर गाथा काल है, भक्ति काल है या रीति काल है या फिर आधुनिक काल है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल है, तो उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी थी इसके आधार पर काव्य का अध्ययन करना। इसमें बाहरी परिस्थितियां प्रभाव के तत्वों के आधार पर किसी कृति की आलोचना की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि जिस समय किसी कृतिकार ने काव्य की रचना की उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी थी और उसके प्रभाव के तत्वों के आधार पर किसी कृति की आलोचना की जाती है। परंतु ऐतिहासिक परिस्थितियां सदैव परिवर्तनशील होती हैं, अतः उनके आधार पर किया गया मूल्यांकन भी स्थायी और स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं निरंतर बदलती रहती हैं। आजादी के पहले की ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग थी, आज की हमारी परिस्थितियां अलग है, तो इसके आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए नवजागरण काल की लिखी गई राष्ट्रीय कविताएं भारतेंदु युग के समय में या फिर महावीर द्विवेदी के समय में जो लिखी गई राष्ट्रीय कविताएं या फिर सन 1962 में चीन के आक्रमण के समय की लिखी गई कविताएं युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं, किंतु संदर्भ बदल जाने के बाद वे गौण हो जाती है। कभी कभी आलोचक
ऐतिहासिक महत्व की स्थापना के धुन में यह भूल जाता है कि रचना का काव्योचित मूल्य क्या है, अतः इस आलोचना का दृष्टिकोण सीमित है। जैसे कि चीन युद्ध के समय में जो कविताएं लिखी गई तो उस समय तो कविताएं प्रासंगिक थी, लेकिन आज जब उन कविताओं को पढ़ते हैं तो वे कविताएं प्रासंगिक नहीं है। तो इस प्रकार जैसे परिस्थितियां बदल जाती है तो उस कविता का मूल्य भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। लेकिन कभी कभी आलोचक क्या कहते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक आलोचना की दृष्टि से किसी कृति का मूल्यांकन करते समय यह भूल जाते हैं कि काव्य की दृष्टि से, काव्य के जो विभिन्न तत्व होते हैं उसके दृष्टिकोण से काव्य का मूल्य क्या है। तो इस प्रकार इस आलोचना का दृष्टिकोण भी सीमित है। दूसरा है वैयक्तिक आलोचना। वैयक्तिक आलोचना क्या है, आरण ने वैयक्तिक आलोचना को भी हेय माना है क्योंकि उसमें व्यक्ति विशेष की रुचि अरुचि राग द्वेष का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी आलोचक को कोई रचना इसलिए उच्च कोटि की या निम्न कोटि की लग सकती है कि कवि के साथ उसका संबंध अच्छा या बुरा है। व्यक्तिगत रुचि और अरुचि से किसी रचना का मूल्यांकन नहीं हो सकता। जीवित कवियों के प्रति आलोचक का राग द्वेष होना संभव है, इसलिए वह अपने राग द्वेष से प्रभावित हो सकता है। साहित्य के वास्तविक आलोचक को ऐसे ऊपर उठना चाहिए। अब जैसे कोई आलोचक की क्या रुचि और अभिरुचि है, इसी प्रकार किसी कवि की क्या रुचि है क्या अभिरुचि है, इसको ध्यान में रखकर किसी कृति की वैयक्तिक आलोचना नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई लेखक या कवि है, उसे आलोचक के संबंध बहुत अच्छे हैं तो उसे बहुत अच्छी आलोचना कर देगा। लेकिन यदि किसी कृतिकार या फिर रचनाकार किसी कवि या लेखक के साथ आलोचक के संबंध अच्छे नहीं है, या फिर उसकी विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, तो इस पर उसकी आलोचना कर देंगे। तो इस प्रकार कहना यह है कि यदि कोई कवि या लेखक जीवित है तो उसके प्रति आलोचक के मन में किस प्रकार की भावना है, प्रेम है कि वो साथ विद्वेष की भावना रखता है, तो या इसके आधार पर जब कृति की आलोचना की जाएगी तब भी यह सही आलोचना नहीं है। इसलिए जो साहित्य का वास्तविक आलोचक है उसको अपनी निजी रुचियों और अभिरुचियों से ऊपर उठकर तटस्थ भाव से किसी कृति की आलोचना करनी चाहिए, तो यह भी अच्छा नहीं है। इसके बाद जो वास्तविक आलोचना है, तीसरी आलोचना, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्नल्ड के अनुसार ऐतिहासिक आलोचना और वैयक्तिक आलोचना दोनों ही सीमित दृष्टिकोण पर आधारित है। ऐतिहासिक आलोचना ऐतिहासिक परिस्थितियों पर आधारित है और वैयक्तिक आलोचना व्यक्तिगत रुचि पर आधारित है, व्यक्तिगत राग द्वेष पर आधारित है, इसलिए इनका दृष्टिकोण क्या है, सीमित है। एक काल विशेष की सीमाओं पर है, मतलब इतिहास की सीमाओं पर है, तो दूसरा व्यक्ति की सीमाओं पर है। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही किसी रचना के व्यापक सत्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो ऐतिहासिक आलोचना है, व्यक्तिक आलोचना है, किसी भी कृति की आलोचना के लिए सही मापदंड नहीं हो सकते, क्योंकि इससे किसी रचना का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए आर्नल्ड ने इन दोनों प्रकार की आलोचनाओं का बहिष्कार करते हुए वास्तविक आलोचना या यूनिवर्सल आलोचना का सुझाव दिया था। इस आलोचना में आलोचक को एक तो यह देखना चाहिए कि काव्य में जीवन का चित्रण है या नहीं, दूसरे उसमें नैतिकता है या नहीं। तो वास्तव में जब किसी कृति की आलोचना सही ढंग से की जाती है तब वास्तविक आलोचना उस तथ्य को ध्यान में रखकर आलोचना की जाती है कि इस काव्य में जीवन का चित्रण है कि नहीं, जीवन की व्याख्या है कि नहीं, और दूसरा उसमें नैतिकता का समावेश है कि नहीं। इन दोनों मापदंडों के आधार पर जब किसी कृति की आलोचना करते हैं तब इसे ही कहा जाता है वास्तविक आलोचना। और आर्नल्ड काव्य में नैतिकता के प्रबल आग्रही हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं हिंदी में, उनका यहां तक कहना है कि नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य, मतलब जिस काव्य में नैतिक विचार शामिल नहीं है, नैतिक विचारों का विरोध करता है, वह काव्य जीवन का भी विरोध करता है, वह जीवन का भी विद्रोही है। और नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य, और जिस काव्य में नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं की गई है, जो नैतिक मूल्यों की ओर से उदासीन है, वह जीवन से भी उदासीन है, वह जीवन में उसको पढ़ने योग्य वह कविता नहीं है। काव्य और जीवन में नैतिकता कितनी जोरदार वकालत शायद ही किसी ने की हो। तो काव्य में और जीवन में वे नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हैं, नैतिकता की वकालत करते हैं। आर्नल्ड का यह भी कहना है कि किसी काव्य का मूल्यांकन करते समय आलोचक को महान समर्थ कवियों की कुछ उदात्त पंक्तियां या उक्तियां अपने मस्तिष्क में रखते हुए यह देखना चाहिए कि उस कोटि की उत्कृष्टता या आनंद इस कृति में है या नहीं। जैसे साकेत का मूल्यांकन करते समय तुलसीदास की उत्कृष्ट पंक्तियों एवं उक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब कोई आलोचक किसी कृति की आलोचना करता है, किसी कविता की आलोचना करता है, तब उसे उस संबंध में जो पहले के महान कवि हुए हैं उनके कुछ प्रमुख पंक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके आधार पर भी वह उसका नई कृति का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि यदि हम मैत्रेयी गुप्त जी के साकेत है उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमको तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है उसमें आई हुई जो उत्कृष्ट पंक्तियां हैं, अच्छी पंक्तियां हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। अब आलोचना का महत्व, आर्नल्ड की विचारधारा का क्या महत्व है, आलोचना का क्या महत्व है। आर्नल्ड की आलोचना दृष्टि बहुत ही उदार और व्यापक है।
उसने सर्वप्रथम आलोचना के महत्व का प्रतिपादन करना उचित समझा। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि आलोचना का क्या महत्व होता है जीवन में। उसने एक लेख आधुनिक युग में समीक्षा का कार्य, इन्होंने एक लेख लिखा था आधुनिक युग में समीक्षा का क्या कार्य है, आलोचक का क्या कार्य है या समालोचक का क्या कार्य है। इसमें रचना की शक्ति या कार्य शक्ति जिसे क्रिएटिव पावर और आलोचनात्मक शक्ति क्रिटिकल पावर की विवेचना करते हुए आलोचनात्मक शक्ति के अनिवार्यता और उपादेयता पर प्रकाश डाला है। तो जो कार्य शक्ति किसमें होती है, क्रिएटिव पावर होती है कवि में, और आलोचक में क्या होती है, आलोचनात्मक शक्ति होती है। यहां पर उन्होंने आलोचनात्मक शक्ति मतलब कवि के आलोचना करने की जो क्षमता है उसकी उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि आलोचना कर्म भी सृजनात्मक शक्ति जैसा ही कर्म है। मतलब एक आलोचक का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सृजन करता कवि अथवा लेखक का कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आलोचक का कार्य भी महत्वपूर्ण है। आलोचक के बिना सृजनात्मक शक्ति उत्कृष्ट रचना का निर्माण नहीं कर सकती। मतलब आलोचक ही बताता है कि किस प्रकार की कृति की रचना की जानी चाहिए। किसी कृति का मूल्यांकन करते समय वह दूसरे कवियों को यह दिशा प्रदान करता है कि किस प्रकार की कृतियां लिखी जानी चाहिए। तो इससे क्या है, आलोचक की शक्ति के द्वारा जो सृजनकर्ता कवि या लेखक हैं उसे विचारधारा से प्रेरित होकर श्रेष्ठ कृतियों का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। जिस युग के साहित्य में उत्कृष्ट कोटि की आलोचना का भाव होता है उसमें मूल्यवान रचनाओं का भी सर्वथा भाव होता है। मतलब जिस युग में साहित्य में अच्छे आलोचक नहीं होंगे, सर्वश्रेष्ठ आलोचक नहीं होंगे, तो उस युग में यदि अच्छे अच्छी आलोचना नहीं है तो वहां अच्छी रचनाएं भी नहीं होंगी। उत्कृष्ट साहित्य निर्माण के लिए उत्कृष्ट समीक्षा का होना अनिवार्य है। आलोचना ही साहित्यकार का विषय प्रदान करती है। जैसे रामचरितमानस की किसी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आलोचना कर दी, तो उस आलोचना को पढ़कर जो दूसरे कवि हैं जो राम कथा पर अपना लिखना चाह रहे हैं कुछ, तो उससे प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर अच्छी और श्रेष्ठ रचनाओं का निर्माण करेंगे। इसलिए आलोचक क्या करता है, साहित्यकार को नए दृष्टिकोण नए विषय प्रदान करता है। साहित्य की उत्कृष्ट सृष्टि के लिए दो शक्तियों का होना आवश्यक है, प्रथम कार्यत्री शक्ति और दूसरी युग की शक्ति। युग की शक्ति के बिना कवि की शक्ति कार्यत्री प्रतिभा पर्याप्त रहती है। कवि में जो कविता लिखने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं कार्यत्री शक्ति। लेकिन किसी कवि में केवल कार्यत्री शक्ति है, कविता लिखने की क्षमता तो है लेकिन युग बोध नहीं है। उसे अपने समय का, अपने समाज का, ऐतिहासिक धार्मिक राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। उसे युग बोध नहीं है कि किस प्रकार के समय में वह जी रहा है। तो यदि उसे युग का बोध नहीं है तो वह एक अच्छा कवि नहीं हो सकता। मतलब किसी कवि में दो बातें आवश्यक है, पहले तो उसमें कविता लिखने की क्षमता होनी चाहिए, वह प्रतिभा आवान होना चाहिए जिसे कहा जाता है कार्यरीति प्रतिभा, और दूसरा है उसमें युग बोध होना चाहिए, अपने समय का ज्ञान भी होना चाहिए कि उस किस देश काल और परिस्थिति में वह जीवन जी रहा है, तभी वह एक अच्छा कवि हो सकता है। अब काव्य जीवन की आलोचना है, या इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है काव्य जीवन की आलोचना, इसका मतलब क्या है। आर्नल के अनुसार काव्य जीवन की आलोचना है, भरत के रस सूत्र के समान इस युक्त की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की गई है। जैसे भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभा अनुभाव व्यभिचारो भाव संयोगादर्श निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, तो वैसे ही इसकी विभिन्न व्याख्याएं की गई है। एक विद्वान के अनुसार मतलब इनका जो यह वाक्य है इसकी भी विभिन्न व्याख्याएं की गई है। एक विद्वान के अनुसार अरस्तु के अनुकरण की तरह आर्नल्ड की जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन का चित्रण। जैसे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में जीवन का अनुकरण किया जाता है, प्रकृति का अनुकरण किया जाता है, वैसे आर्नल्ड के जीवन के आधार जीवन की आलोचना का तात्पर्य क्या है, काव्य में जीवन का चित्रण करना, जीवन को प्रतिबिंबित करना। स्वयं आर्नल्ड के अनुसार जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन में उदात्त और गंभीर विचारों को शामिल करना और उनका उपयोग करना। काव्य जीवन का वैसा चित्रण नहीं करता जैसा फोटो में पाया जाता है, उसमें आदर्श जीवन का निरूपण रहता है। वस्तुतः काव्य को जीवन की आलोचना कहने के पीछे आर्नल्ड का उद्देश्य था उन मतों का खंडन करना जो काव्य में जीवन को महत्व नहीं देते थे। तो उस समय जो स्वच्छंदतावादी कवि थे उन्होंने काव्य में जीवन का ज्यादा महत्व नहीं देता था, उनके केवल कविता लिखने में प्रवृत्त रहते थे, समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो आर्नल्ड के अनुसार काव्य जीवन की आलोचना इसका तात्पर्य है कि काव्य में श्रेष्ठ और उदात्त मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। तो काव्य क्या बताता है, जीवन कैसा जीना चाहिए। वह फोटो खींचने जैसा नहीं कि हमने किसी का फोटो खींच लिया वैसे ही फोटो आ गया। वास्तव में काव्य जीवन कैसा है या नहीं, बल्कि जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमें रास्ता बताना चाहिए काव्य के माध्यम से। तो कलावादी जो सिद्धांत था उस समय, जैसे स्वच्छंदतावादी सिद्धांत या कलावादी सिद्धांत है, इनका क्या कहना था, कला कला के लिए कहकर जीवन की उपेक्षा करते हैं। तो कलावादी सिद्धांत उनका यह मानना था कि कला सिर्फ कला के लिए, कलाकार का उद्देश्य सिर्फ कला का सृजन करना है, किसी काव्य का सृजन करना है, बाकी उससे कोई सामाजिक सरोकार नहीं है कि उस कला का किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
वैसे सचिन दादावादी कवियों का क्या कहना था, कवि की निजी अनुभूतियों का महत्व देते थे कि भाई मेरे मन में यह भावनाएं, मेरे मन में यह फीलिंग्स है, मैं यह कविता लिख रहा हूं, इसका मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है कि इस पर लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस काव्य में जीवन की उपेक्षा की गई वह काव्य काव्य ही नहीं। इस प्रकार कलावादी और स्वच्छंदतावादी दोनों ही प्रकार के कवियों ने जीवन की उपेक्षा की, समाज की उपेक्षा की, राष्ट्र की उपेक्षा की, इसलिए उन्होंने कुल मिलाकर जीवन की उपेक्षा की, तो जो यह आर्नल्ड को मान्य नहीं था। अब काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य के लिखने का उद्देश्य क्या है आर्नल्ड के हिसाब से। आर्नल्ड ने लिखा है कि इतना ही आवश्यक नहीं कि कवि पाठकों के ज्ञान में वृद्धि करे, वरन यह भी आवश्यक है कि वह उसके आनंद की भी वृद्धि करे। आर्नल्ड का यह भी मानना था कि काव्य का उद्देश्य केवल हमको ज्ञान देना नहीं है, हमें केवल संदेश देना नहीं है, बल्कि काव्य के माध्यम से हमें आनंद भी प्राप्त होना चाहिए। इसे स्पष्ट है कि आर्नल्ड काव्य का प्रयोजन शिक्षा देना या उपदेश देना सिर्फ यही नहीं मानता है कि काव्य का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना है, उपदेश देना है। उनके अनुसार काव्य वही है जो उत्कृष्टतम आनंद प्रदान करे, पाठकों को काव्य से आनंद मिलना चाहिए, मतलब पाठकों को काव्य से आनंद भी मिलना चाहिए, आनंद भी बहुत जरूरी है, यानी कि केवल उसमें संदेश हो, पढ़कर मजा भी आना चाहिए। आर्नल्ड ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पाठकों के स्थायी भाव, मन में जो भाव हमेशा से विद्यमान रहते हैं, और उनकी अनुभूतियों, उनके फीलिंग्स और इमोशंस को स्पर्श करना है, उन्हें आनंद प्रदान करना है, यही आनंद प्रदान करना काव्य का मुख्य प्रयोजन है, शिक्षा या उपदेश गौण रहता है। इस सब के बावजूद भी आर्नल्ड ने कहा है कि काव्य का मुख्य उद्देश्य आनंद प्रदान करना है, और जो उसका गौण उद्देश्य है, कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वह शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय रस सिद्धांत में भी पाठकों के स्थायी भावों को स्पर्श करना ही काव्य का प्रयोजन है। तो भारतीय रस सिद्धांत जिसके प्रतिपादक भरत मुनि है, उनका भी यह मानना है कि जो पाठकों के स्थायी भावों को स्पर्श करना ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। और काव्य और नैतिकता, कि क्या काव्य में नैतिकता का समावेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो क्या कहते हैं आर्नल्ड, यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या पाठकों के रति, हास, घृणा, क्रोध, रति मतलब प्रेम, हास मतलब हास्य खुशी, घृणा, क्रोध आदि स्थायी भावों को स्पर्श करना आर्नल्ड के अनुसार काव्य प्रयोजन है, कि आर्नल्ड का यह उद्देश्य है कि इन भावों को स्पर्श करे कविता। आर्नल्ड उत्तेजना प्रदान करने वाले साहित्य को उत्कृष्ट नहीं मानता। आर्नल्ड का कहना है कि जो काव्य हमें उत्तेजित करता है वह श्रेष्ठ साहित्य नहीं है। उसने काव्य के जीवन की आलोचना कहा है, जिसका तात्पर्य है कि जीवन कैसे जिया जाए, इसे जान लेना जीवन की आलोचना है, कि हमें जीवन वास्तव में कैसे जीना चाहिए और कैसे जिया जाए, यह प्रश्न अपने आप में एक नैतिक प्रश्न है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, नैतिक मापदंडों के आधार पर हमको जीवन जीना चाहिए, तो यह नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आर्नल्ड काव्य में नैतिकता का प्रबल आग्रही है, मतलब काव्य में नैतिकता का प्रबल आग्रह होना चाहिए, नैतिक संदेश दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार जिस काव्य में नैतिकता नहीं है वह काव्य काव्य नहीं है, तो जिस काव्य में नैतिकता शामिल नहीं है वह काव्य कहलाने के योग्य नहीं है। अब काव्य का विषय क्या होना चाहिए, काव्य किस सब्जेक्ट पर लिखा जाना चाहिए। आर्नल्ड का मत है कि काव्य के विषय वस्तु महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसका कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, जिसमें गहन और तीव्र भावों को अभिव्यक्त करने की संभावनाएं हों, जैसे हमारी जो गहरी भावनाएं, गहन अनुभूतियां हैं, हमारे मन की जो तीव्र भावनाएं हैं उसको अभिव्यक्त करने की उस विषय में संभावना होनी चाहिए। कवि को उत्कृष्ट विषय का चुनाव करना आवश्यक है। काव्य का विषय ऐसा हो जो स्वयं में आकर्षक हो, उसके द्वारा सहज ही पाठकों को रसानुभूति उत्पन्न हो सके। वह विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठकों के भावों को स्पर्श कर सके। कवि का ध्यान विषय के सहज और समग्र विकास पर हो, उसके मन में काव्य का पूरा खाका निर्मित हो जाए और उसे ही वह भाषा में संवार कर प्रस्तुत करे। तो काव्य का विषय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए, कि पाठक उस विषय को देखकर उसको पढ़ने के लिए बाध्य हो सके और उसको पढ़कर उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसकी जो भावनाएं हैं, मतलब उसमें जो पाठकों को रसानुभूति, रस का महसूस होना चाहिए कि यह बहुत ही बेहतरीन है, उसको पढ़कर आनंद भी आना चाहिए और कवि का ध्यान भी उस विषय के समग्र विकास पर होना चाहिए, मतलब सभी पहलुओं को स्पर्श करना चाहिए कवि के द्वारा। इसे उसके मन में पहले कविता का पूरा ढांचा निर्मित हो जाना चाहिए कवि के मन में, और उसको ही संवार करके वह भाषा के माध्यम से उसे लिखना चाहिए, ताकि पाठकों को भी पर्याप्त आनंद प्राप्त हो और वह उसमें रुचि ले सके। तो इसलिए काव्य का विषय बहुत अच्छा होना चाहिए। आर्नल्ड ने काव्य के संदर्भ, विषय के संदर्भ में यह प्रश्न भी उठाया है कि कवि काव्य की विषय वस्तु किस युग से ले, मतलब किस समय से उसको विषय वस्तु उठाना चाहिए। आर्नल्ड की मान्यता है कि चूंकि पाठकों की अनुभूतियों को स्पर्श करना और आनंद प्रदान करना ही काव्य का प्रयोजन है, तो कवि अपने काव्य के लिए कहीं से भी और किसी भी युग से सामग्री का चयन कर सकता है जो पाठकों के भावों को छू सके। कविता का संबंध हमारे स्थायी भावों से, उस युग और युग की समस्या से बांध देना ठीक नहीं होगा। मतलब हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमें कविता का विषय पौराणिक दृष्टियों से उठाना चाहिए, पुराने विषय होना चाहिए कि नया विषय होना चाहिए,
बल्कि कवि को ऐसा विषय उठाना उठा लेना चाहिए किसी भी समय से जो लोगों की भावनाओं को क्या है उनके मन में आनंद उत्पन्न कर सके, उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर सके, उन्हें आनंद भी प्रदान कर सके। इसलिए वह किसी भी युग से सामग्री ले सकता है ताकि पाठक को पढ़कर उसे आनंद भी प्राप्त हो और ज्ञान भी प्राप्त हो और उसमें जीवन मूल्यों की स्थापना भी हो। इसलिए किसी पर्टिकुलर युग का नहीं कह सकते कि इस समय से उसको विषय लेना चाहिए। सारांश यह है कि आनंद के अनुसार कवि काव्य की सामग्री कहीं से भी ले सकता है, उसके लिए यह बंधन नहीं कि प्राचीन काल से ले या आधुनिक काल से ले। किंतु आर्नल्ड आधुनिक युग को नैतिक और धार्मिक दृष्टि से गिरा हुआ मानता है, इसलिए उसे शंका है कि उत्कृष्ट काव्य सामग्री आधुनिक युग से प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः आर्नल्ड का यह मत आदर्श या उत्कृष्टतम काव्य साहित्य के लिए। तो आर्नल्ड का कहना है कि यदि कोई कवि उत्कृष्ट साहित्य की रचना करना चाहता है या उत्कृष्ट काव्य लिखना चाह रहा है तो उसे वर्तमान समय से विषय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान समय है भौतिकतावादी समय है, जो नैतिक और धार्मिक दृष्टि से लोग बहुत ही गिरे हुए हैं, पतित हैं। इसलिए वर्तमान समय से यदि वे सब्जेक्ट लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें यह संदेह है कि वह काव्य श्रेष्ठ काव्य होगा। और काव्य हेतु मतलब काव्य का कारण क्या है, किन कारणों से कविता लिखी जाती है। आर्नल्ड कवि की शक्ति या जन्मजात प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु या कारण मानता है। मतलब काव्य किस कारण से लिखा जाता है, कवि में इतनी ज्यादा प्रतिभा होती है, उनमें जन्मजात प्रतिभा होती है और जन्मजात प्रतिभा के आधार पर ही वह काव्य लिखता है। उसका मत था कि उत्कृष्ट कोटि की कविता रची नहीं जाती, वह स्वयं फूट पड़ती है। मतलब कविता लिखने के लिए कवि में जन्मजात प्रतिभा होती है और सहज रूप से वह उत्कृष्ट कविता लिख लेता है, कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। उत्कृष्ट कवि में नम्रता भी होती है, मॉडेस्टी भी होती है, वह आवश्यक मानता है। महानता के लिए नम्रता आवश्यक है, क्योंकि जिस पेड़ में जितने ज्यादा फल लगे होते हैं वह फल उतना ही झुका होता है। तो वैसे ही महानता के लिए नम्रता आवश्यक है, जो जितना महान होता है वह उतना ही नम्र होता है। आर्नल्ड लिखा है कि ये महान कवि इसलिए नम्र होते हैं कि अन्य मनुष्यों से अपनी तुलना नहीं करते, वरन उस पूर्णता से अपनी तुलना करते हैं जिसकी कल्पना उनके मन में रहती है। तो ये कवि क्यों महान होते हैं, क्योंकि वे दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते, बल्कि वे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, वे पूर्णता प्राप्त करने चाहते हैं अपने जीवन में, न कि वे दूसरों से तुलना करना चाहते हैं। कवि नम्र होगा तो उसका स्वर भी नम्र होगा, उसका स्वर प्रचारक का नहीं होगा तथा उपदेशक भी नहीं होगा। मतलब कवि को अपनी कविता इतनी सहज और सरल ढंग से लिखनी चाहिए कि उसमें कोई घमंड ना दृष्टिगत हो, घमंड दिखाई ना दे। उसका जितना भी स्वर और विचार जितना नम्र होगा उतना ही वह बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ कवि होगा। अध्ययन को भी आर्नल्ड काव्य रचना है तो स्वीकार करता है, मतलब बहुत ज्यादा अध्ययनशील होना चाहिए कवि को, किंतु वह इसे गौण ही मानता है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। काव्य का तीसरा आधार आर्नल्ड के अनुसार उत्कृष्ट आदर्शों का अनुकरण है। इसके लिए कवि को चाहिए कि वह प्राचीन कवियों के काव्य का अध्ययन करे और उन कवियों की आत्मा को ग्रहण करने का प्रयास करें। मतलब जो कवि है उसे प्राचीन जो महान कवि हुए हैं उनके उनके उत्कृष्ट काव्य का अध्ययन करना चाहिए कि किन आदर्शों किन जीवन मूल्यों की उन्होंने स्थापना की है, और उसे ग्रहण करना चाहिए और उसे अपनी कविता में शामिल करना चाहिए, उसको परिलक्षित करना चाहिए। कवि का व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए, काव्य हेतु का संबंध कवि के व्यक्तित्व से भी है। मतलब कवि जितना जन्मजात प्रतिभाशाली होगा, जितना महान होगा उतनी कविता भी अच्छी होगी, तो कवि का व्यक्तित्व भी महान होना चाहिए। आर्नल्ड के अनुसार कवि में ज्ञान होना चाहिए, गहरी पेठ वाली बुद्धि होनी चाहिए जो यह सोच समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, गंभीरता होनी चाहिए, अनुभूति और विनोदशीलता होनी चाहिए। अनुभूति मतलब वह चीजों को महसूस कर सके, लोगों की भावनाओं को महसूस कर सके और उसका साधारणीकरण कर सके, और उसमें हास्य की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, हल्के फुल्के ढंग से वह गंभीर बातों को कहने में सक्षम होना चाहिए। गंभीरता व्यक्तित्व की महानता के लिए आवश्यकता है, गंभीरता हमारी कथनी और करनी दोनों पर नियंत्रण रखती है। मतलब हम जितने गंभीर होंगे जीवन के प्रति उतने ही हमारी कथनी और करनी में एकता रहेगी कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। कवि के लिए यह नियंत्रण आवश्यक है, मतलब भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना कवि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भावानुभूति मतलब सेंटीमेंट्स तो कवि का धनी है, मतलब कवि को भाव भी होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ताकि वह भावनाओं को दूसरों की भावनाओं को भी समझ सके और अपनी भावनाओं का भी साधारणीकरण कर सके, उसके बिना वह कैसे रह सकता है। उसमें चरित्र का औदात्त भी होना चाहिए, उसका चरित्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उच्चतम जीवन मूल्यों से उच्चतम गुणों से श्रेष्ठतम मूल्यों से उसे लैस होना चाहिए। उसमें कवि के व्यक्त जीवन की अपेक्षा उसका अव्यक्त जीवन अधिक प्रबल होना चाहिए। कवि का जो जीवन हमको दिखाई देता है उससे भी ज्यादा उसका वह जीवन जो हमको दिखाई नहीं देता वह और ज्यादा उदार होना चाहिए, महान होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। शैली कैसी होनी चाहिए, काव्य की शैली या फिर लेखन की शैली। आर्नल्ड गद्य और पद्य की शैली को एक ही मानता है, मतलब गद्य और पद्य की शैली एक ही होनी चाहिए। इन दोनों की शैलियां एवं शक्तियां एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन थोड़ी सी उसमें भिन्नता होती है। कैसे, उसने लिखा है कि प्रोज कैन नॉट हैव द पावर ऑफ वर्सेस, अर्थात गद्य में पद्य की शक्ति नहीं आ सकती।
ठीक है, शैली एक जैसी हो सकती है लेकिन गद्य में पद्य की शक्ति नहीं आ सकती है। मतलब पद्य को पढ़ने में जो हमको जितना मजा आता है, आनंद आता है, उतना गद्य को पढ़ने में नहीं आता। उसका तर्क है कि काव्य की सृष्टि आत्मा से होती है। जब हम कविता लिखते हैं तो उसका संबंध हमारी आत्मा से, हमारी भावनाओं से, जबकि गद्य क्या है, मस्तिष्क से जन्म लेना पड़ता है। तो गद्य में बुद्धि और तर्क की प्रधानता होती है और पद्य में भावनाओं की प्रधानता होती है, सेंटिमेंट की प्रधानता होती है। अतः दोनों की भाषा और शैली में अंतर होना स्वाभाविक है। तो यहां पर ये थोड़ा विरोधाभास है। अब हम निष्कर्ष, आर्नल्ड किस प्रकार महान है एक कवि के रूप में और एक लेखक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, हम यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष में। तो आर्नल्ड आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के प्रवर्तक हैं, सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं। इन्होंने आधुनिक आलोचना का को जन्म दिया है। उनके पहले कॉलरिज का नाम उल्लेख किया है, किंतु कॉलरिज की दृष्टि सैद्धांतिक थी और आर्नल्ड की दृष्टि व्यवहारिक है। तो इनके पहले के जो सबसे बड़े आलोचक हुए हैं वे कॉलरिज थे, जो कि स्वच्छंदतावाद से संबंध रखते थे, रोमांटिसिज्म से। तो उनका जो दृष्टिकोण था वह सैद्धांतिक था, सिद्धांतों की स्थापना में उनका ज्यादा जोर था। और आर्नल्ड के दृष्टिकोण है वह व्यवहारिक आलोचना में इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। आर्नल्ड ने काव्य को आनंद, स्वास्थ्य एवं संतुष्टि का साधन घोषित किया है। काव्य से आनंद प्राप्त होता है, काव्य से व्यक्ति सुखी होता है, संतुष्ट होता है काव्य को पढ़कर। आर्नल्ड के प्रेरणा स्रोत होमर और अरस्तु आदि थे, जो क्लासिकल पोएट हुए हैं, जो महानतम पोएट हुए हैं यूनान के, होमर अरस्तु इत्यादि, वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जो नैतिकतावादी थे। आर्नल्ड की आलोचना की सीमा का विस्तार काव्य, संस्कृति, धर्म और शिक्षा तक है। तो आर्नल्ड क्या केवल आलोचना तक ही सीमित नहीं रहे, केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी जो आलोचना का विस्तार है, उन्होंने काव्य की भी आलोचना की, संस्कृति की भी आलोचना की, धर्म और शिक्षा सभी चीजों को उन्होंने अपनी आलोचना में समेट लिया है। आर्नल्ड का अध्ययन अत्यंत व्यापक था, बहुत ज्यादा गुड़ी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा चीजों की इन्होंने अध्ययन किया हुआ था। रचनाकार को समझने के लिए उन्होंने रचनाकार की जीवनी का ज्ञान आवश्यक माना है। मतलब किसी रचनाकार की कृति को समझने के लिए रचनाकार का जो व्यक्तित्व है, जो लेखक या कवि का व्यक्तित्व है, उसकी जीवनी है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। आर्नल्ड अभिजात्यवाद क्लासिकल के पक्षधर थे। क्लासिकल मतलब होमर है, वर्जिल है, अरस्तु, प्लेटो हैं, इनका अध्ययन आवश्यक है। आर्नल्ड का आदर्श आलोचक संस्कृति, साहित्य और समाज, इन तीनों का अधिकारी विद्वान होना चाहिए। तो आर्नल्ड के अनुसार आदर्श आलोचक कौन है, जिसको साहित्य का भी पूरा ज्ञान हो, अपने देश विदेश सबका साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, सभी प्रकार के संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए और समाज का भी पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने समकालीन साहित्य एवं आलोचना को एक नई दिशा एवं दृष्टि देने का प्रयास किया है। तो इनकी महानता इसी में है कि इन्होंने अपने समय का जो साहित्य था, जो समकालीन साहित्य था, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर था और जो आलोचना था, उसको उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की, एक नई दृष्टि देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार निश्चित रूप से आप लोगों ने इस एपिसोड का इसको समझ लिया होगा कि आर्नल्ड की आलोचना दृष्टि क्या है, उनके काव्य के सिद्धांत क्या है। यदि आज का मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।